थे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर चिल्ली। इसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर, दो प्याज बड़े बड़े काट लेना है इस तरह, एक शिमला मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, एक अंडा और मिर्ची कटी हुई, लहसुन कटे हुए, अदरक कटा हुआ और आधा नींबू और मैदा, कॉर्नफ्लोर, टमाटो सॉस, सोया सॉस, चिकन चिल्ली मसाला एंड चिल्ली सॉस। अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। एक बड़ा सा कटोरा लेना है, उसमें एक बड़ा कप मैदा, कॉर्नफ्लोर आधे कप बराबर, मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, एक अंडा, डाल देना है और सोया सॉस थोड़ा सा डाल के सबको मिला लेना है चम्मच से। और इसमें नींबू डाल देना है, आधा कटी हुई नींबू को डाल के अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चलाना है और थोड़ा सा अदरक और नींबू का पेस्ट डाल देना है, स्वाद अनुसार नमक ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं बनाना है इसका, बस ये बनकर तैयार हो गई है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। पनीर को ग्रेवी में डाल देना है और इस तरह मिला लेना है। उसमें 4 चम्मच भर तेल, 3 गरम हो गया है और इसमें एक का करकर पनीर हमें डाल देना है। एक साइड से पनीर गरम कॉर्न हो गया है और दूसरी तरफ से भी गरम पनीर। ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का लाल करना है, 2 मिनट गरम से भी पकाएंगे। 2 साइड से पनीर या पिज्जा से लाल हो गए, इसको निकाल लेना है। इसी तरह सारे पनीर को छान लेना है।
मैंने सारा पनीर छान लिया है, अब मैं इसका सब्जी में बनाने जा रही हूँ। कढ़ाई को गरम करके 2 चम्मच तेल, 3 हरी मिर्च, 3 लहसुन, अदरक, को लाल नहीं करना है। बस हल्का ब्राउन करना है। बस हो गया। इसमें कटी हुई प्याज, ये हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच पाउडर, पनीर चिली पाउडर, रात के 2 घंटा खराब है, टमाटर सॉस 2 चम्मच, रेड चिल्ली सॉस 1 चम्मच, डालकर मिलाना है। ये ग्रेवी डालना है, बची ग्रेवी इसमें पनीर डाल के छाना था। एक ग्लास पानी, अब 2 मिनट तक इसको छान देना और ग्रेवी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब इसमें पनीर डालना, पनीर डालकर मिक्स कर देना है। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। मैंने ग्रेवी वाला बनाया है, आप इसे रोटी चाहे नॉर्मल में खा सकते हैं। अगर आपको सूखा बनाना है तो इसको और थोड़ा सा सूखा लेना है, कर लें ग्रेवी वाला बनाना था तो मैं ग्रेवी रखूँ इसमें। और ये आपको बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। मैंने पनीर चिल्ली को निकाल लिया है बर्तन में और ये मेरी पनीर चिल्ली पूरी तरह से बन के तैयार है। थैंक यू। अगर मेरी मम्मी का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।